हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, जिसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजी है बनाना, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची ली है, मेथी दाना लिया एकदम थोड़ा सा, साथ में मैंने लिया कलौंजी और साथ में लिया मैंने साबुत जीरा, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 हम लेंगे गोल मिर्च साबुत, साथ में लेंगे सूखी लाल मिर्च और लेंगे तेज़पत्ता, साथ में लेंगे दालचीनी। अब इसमें मैं ये सारे ड्राई मसाले डाल दूंगी और इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी देसी घी, देखिए आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप इन मसालों को देसी घी में हल्का सा भून लेते हैं ना, तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है आलू की सब्जी में। देखिए अदरक डालूंगी, साथ में मैंने बारीक कटी हरी मिर्च ली है, ये 1 चम्मच से ज़्यादा है अदरक, तो ये भी इसमें हम डाल देंगे। तो 2 मैंने हरी मिर्च लिया था, अभी इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे घी में। तो हल्का सा भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे, देखिए मैंने लिया है 6 टमाटर लिए, उसकी मैंने पेस्ट ली है, अभी ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको करेंगे मिक्स। देखिए घी में हमारे टमाटर भून रहे हैं, अभी इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, इससे टमाटर जल्दी फ्राई हो जाएंगे, इससे जल्दी पक जाते हैं टमाटर। अभी हमें इतना फ्रेंड्स पकाना है कि इसमें से टमाटर में से घी छोड़ दे वो। देखिए टमाटर हमारे भून रहे हैं, अभी इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, उसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में डालेंगे इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, अब धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, साथ में इसमें डालेंगे हम आमचूर पाउडर, इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर थोड़ा सा, अभी इन सबको करेंगे मिक्स। मिक्स कर लिए, इसको डाल देंगे हम ग्रेवी में, देखिए अभी इनको करेंगे मिक्स। देखिए मैंने ग्रेवी में सारे मसाले मिक्स कर लिया, अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी का, अभी इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए मैंने आलू लिए हैं बॉयल, ये 10 आलू हैं, इसको हम हाथों से इस तरह से करेंगे, हम छुरी से नहीं काटेंगे इसे। अभी हम आलू को इस ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। देखिए आलू को मैंने ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको भी कर लेंगे मिक्स। साथ में इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, इनको भी कर लेते हैं मिक्स। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लंबा काटा हुआ हरी मिर्च, ये बहुत अच्छा लगता है इसे डालने से। अभी इसमें हम डाल देंगे पानी, अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अभी हम फ्रेंड्स इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, पूरा मार्केट जैसे लगती है सब्जी। देखिए कितनी बढ़िया आलू की सब्जी बनके तैयार हुई है। चलिए गैस बंद कर देते हैं, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा हरा धनिया, चलिए इसे सर्व करते हैं। कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है, आप इसे जरूर बनाइएगा, पूरा हलवाई स्टाइल में बनती है ये सब्जी, आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं कैसी बनी है ये सब्जी।
वाह फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लग रही है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। देखिए बहन कितनी झटपट बनकर तैयार हो जाती है कम मसालों में। आप भी इसे जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।